हमारे साथ जिन्होंने सालों साल पति और पत्नी दोनों ने ही दो तीन टर्म रहे, ऐसे जया तिवाना, सतनाम जी, ये दोनों ही मेरे साथ नगर सेवक के रूप में काम किया। हमारे डॉक्टर राम बारूर जी जो भी मेरे साथी नगर सेवक वो भी रहे। इस वार्ड के जो नगर सेवक हैं मुकेश मिस्त्री जी, माननीय गंगाराम जमनानी जी, इस मंडल के अध्यक्ष रमेश दोषी जी, सीनियर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सुरेश रावल जी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय और माननीय गण, मेरे सामने भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज मलाड महोत्सव में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इन्होंने जब ये भाषण चल रहा था तब मैं सुन रही थी कि अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम किया है, सही बात है। कोई भी एक दिन का कार्यक्रम करना या 10 दिन का करना, उसमें बहुत अंतर है। एक दिन का कार्यक्रम होता है, नेता लोग आते हैं, भाषण होता है, चले जाते हैं, लेकिन जब उसको सीरियल से हम करते हैं 8 दिन 10 दिन, तब अथक परिश्रम। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि तेजिंदर भाई के साथ साथ उनकी जो टीम है, मैं उसका भी अभिनंदन करती हूँ और उनका भी अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं होता है कभी भी। जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा कार्यक्रम का मैनेजमेंट करता है, तब निश्चित रूप से पूरी टीम काम करती है। मुझे मालूम है कि जो उनकी युवा मोर्चा की जो पूरी टीम है, उन्होंने रात रात जाग कर इस तरह का कार्यक्रम किया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम अलग अलग दिन सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए, कुछ अलग महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर आपने कार्यक्रम रखे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, मैं उसके निमित्त कुछ कहना चाहूँगी कि एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे जीवन में त्याग किया, बलिदान किया, और मुझे याद आता है वो दिन, मैं तो उस कार्यक्रम में नहीं थी, लेकिन जो लोगों ने बताया है, खास करके जैसे यहाँ पर राम नाईक जी की चर्चा हुई, राम नाईक जी के जो आज इस समय माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं, जब उनके भाषण में भी कई बार ये बातें आई हैं, हमारे जो सीनियर हैं उनके भी भाषणों में ये बातें आई थी, और आज मुझे अचानक याद आ गया तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब जिस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ बांद्रा रिक्लेमेशन में 1980 के अंदर, 1980 में जो इस हमारे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के जो छगला जी जो सबसे मेन थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो व्यक्ति बैठा हुआ है मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि आज नहीं तो कल वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और पूरे हिंदुस्तान की बागडोर उसके हाथ में होगी। और वो दिन दूर नहीं था कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। और फिर एक बार अटल जी ने भी कहा, और उसी कार्यक्रम में जब अधिवेशन चल रहा था बांद्रा में, तब उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। दोस्तों देखिए, आज अपने कई प्रदेशों में अपनी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में आप देखिए माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, हम लोग सरकार में स्वयं हैं, हमारी गुजरात में सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, गोवा में है, जम्मू कश्मीर में है, अनेक जगह पे हम अच्छे ढंग से सरकार चला रहे हैं। और कहते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और दिल्ली में नरेंद्र जी, ये दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र में और इंडिया के अंदर दोनों ही ने देवेंद्र जी और नरेंद्र मोदी जी सरकार को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सब है ये अटल जी की टीम, उनके साथ आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी जो पूरी टीम ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने काम किया, और आज ये युवा मोर्चा भी आगे जा रहा है। मुझे अभी प्रमोद महाजन जी की भी एक बात का याद आ रही है कि उन्होंने युवा मोर्चा का इसलिए गठन किया कि जिसके कारण जो उनके हम उम्र के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जुड़े और पार्टी में एक दूसरी पीढ़ी तैयार हो। नहीं तो अभी जैसे मैं और गोपाल भाई और डॉक्टर राम बारोर जिन और जमनानी जी काम करें, लेकिन इसके पीछे भी हमको एक पीढ़ी चाहिए, वो गैप नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर तेजिंदर सिंह अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज कोई पॉलिटिकल भाषण का कोई अवसर नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तब उस समय चर्चा होगी। खास इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं उनके साथ 20 साल नगर सेवक थी, फिर वो आमदार बन गए, खासदार बन गए, लेकिन आप देखिए कि छोटा सा छोटा काम
वो उसका ध्यान रखते हैं। अगर उनको कभी हम लोग सामने से फोन करते हैं, आज भले मंत्री है लेकिन जब हम लोग नगर सेवक थे, बीच में मेरा वार्ड महिला ओबीसी हो गया था, तब मैं उस वक्त कुछ भी नहीं थी, फिर भी मैं जब भी गोपाल भाई को फोन की तब उन्होंने फोन उठाया। आज भी कहीं जरूरत पड़ती हो तो हम लोग उनको फोन करते हैं और वो सबका, जनता का, नेताओं का, जिसका भी जो भी काम हो निश्चित रूप से वो करते हैं। इसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ कि आपके साथ हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री गणेश फेस्टिवल, इस शानदार कार्यक्रम के जनक जिसको कहेंगे हम, आयोजक कहेंगे, श्री तेजिंदर तिवाना, जया तिवाना, सतनाम तिवाना, उनके पूरे परिवारगण, मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र की सम्मान्य मंत्री विद्या ठाकुर जी, डॉक्टर राम बारोट जी, मुकेश मिश्री, मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई संजय, मंच पर अन्य सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सभी की ओर से और मेरे ओर से पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तेजिंदर तिवाना का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम का आपने आयोजन किया और निश्चित ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में मराठ में एक चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम में परिसर में रहने वाले सामान्य लोगों को एक अच्छी सुविधा प्राप्त होती है। ये ग्राउंड पिछले कितने दिनों से यहाँ पर खाली अवस्था में पड़ा है, इसमें साल में एक बार विश्व हिंदू परिषद का रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम होता है, बीच बीच के समय में भी कुछ कार्यक्रम होता होगा, लेकिन ये ग्राउंड को डेवलप करने का काम पिछले अनेक वर्षों से हुआ नहीं है। कैलाश शर्मा ने मुझे निवेदन दिया था कि इसको आप डेवलप करो, मैं स्वयं यहाँ पर आकर देख कर गया। हमने मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार के पास से मैंने प्रस्ताव भेजा भी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मुकेश मिश्री ने भी मुझे कहा कि साहब ये ग्राउंड में डेवलप करता हूँ। ये बात मैं इसके लिए यहाँ पर अभी खुलकर बता रहा हूँ। मैं मुकेश मिश्री को कहना चाहूँगा कि आप 2016 में इसको डेवलप करो, नहीं तो तुम्हारे पीछे गोपाल शेट्टी खड़ा है, मैं कभी भी घुस जाऊँगा इधर। ये इतना बड़ा प्लॉट डेवलप करने का एक सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में निधि भी बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है और ये तुरंत हो सकता है डेवलपमेंट। इसमें मेरा भी जो भी सहयोग होगा वो मैं जरूर दूंगा। ये बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हम डेवलप करके इसको यहाँ पर एक जिम्नासियम बना सकते हैं, ताकि युवाओं को आने वाले दिनों में फिटनेस के लिए काम आएगा, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए एक डोम बन सकता है, हमारे महिलाओं को, बहनों को एक अलग व्यवस्था हो सकती है, और एक पूरे ग्राउंड पर अगर आप जॉगिंग ट्रैक बनाते हो तो सवेरे लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है, और फिर प्लेग्राउंड है तो जो युवा बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, यानी सारे समाज के लोगों को इतने बड़े ग्राउंड में हम समाविष्ट करके ले सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत इस ग्राउंड में है और मैं ये तेजिंदर तिवाना और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसका एक द्वार खोलने का काम आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। विद्या जी जब भाषण कर रही थी तो तिवाना के जगह पर उनके मुंह से दीवाना निकल गया, तो मैं तेजिंदर को कहूँगा, कहा कि मैंने तुम्हें भी इसके ऊपर ही भाषण करूँगा। सचमुच ये तीनों तेजिंदर, सतनाम और जया बहन हमारी है, ये काम के दीवाने हैं, ये दिन भर काम करते रहते हैं। जो भी काम इनको बताओ आप दौड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, और काम करने का इनको एक पागलपन जिसको कहूँगा कि जो मेरे में भी है, लेकिन मेरे में यह है कि मेरे घर में मैं सिर्फ ये पागलपन मुझे अकेले को लगा, लेकिन इनके परिवार में सब लोग को लग गया ये पागलपन, सब लोग को ये पागलपन लग गया है, सब दीवाने हो गए काम के। एक बहुत बड़ी ताकत है, मैं मानता हूँ कि मराठ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक परिवार के तीनों, नहीं तो आप पॉलिटिक्स में देखते हैं, माँ करती है तो फिर पति उससे नाराज होता है, क्या ये पागलपन करती है, बच्चे तो फिर इतना हैरान परेशान करते कि पूछो मत। बहुत ही कम ऐसे परिवार होंगे, हाँ कुछ परिवार है चुनाव के समय जेंट्स वार्ड लेडीज होगा तो फिर लेडीज को खड़ा करके चुनाव लड़वा देते हैं,
वो भी कुछ लोग है और होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो इसको समर्थन करता हूँ क्योंकि कुछ कार्यकर्ता 20-20 साल 25-25 साल पार्टी को दे देते हैं और फिर वो लेडीज हो जाता तो फिर कोई दूसरा रेडीमेड आके खड़ा हो जाए चुनाव में, 20-20 साल लगते हैं कोई वार्ड को या तो कोई विधानसभा को डेवलप करना। तो मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत उसने काम किया होगा उस परिसर के लिए, उस वार्ड के लिए, उस विधानसभा के लिए, तो उसका पूरा हक बनता है अगर लेडीज बन जाए तो उसके पत्नी को या तो घर के लोगों को चुनाव लड़ावे। बाकी किसी को अन्याय करके चुनाव अगर कोई लड़वाता है तो फिर मैं उसका भी बहुत ही विरोधी हूँ। मुझे खुशी है कि परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से काम में लगे हुए हैं और बहुत बड़ा सोचते हैं। कभी भी ये जो इवेंट है ये कोई छोटी बात नहीं, पहले ही साल में इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करना, इसको बहुत पैसा भी लगता है और पैसा अगर समाज में देने वाले हैं तो उसको लाने के लिए भी एक क्षमता होनी चाहिए। तो ये पैसा जमा करने वाला काम जरा बहुत कठिन काम है भैया, जो आप लोग इतने आसानी से कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। और मैं समाज से भी निवेदन करूंगा कि अच्छा काम करने वाले को आप मदद करिए। और पैसा साहब ये सब स्टॉल वगैरह इसमें से भी साहब पैसा खड़ा हो सकता है, लेकिन ये पहला ही साल है तो थोड़ा स्टॉल वालों को इतना कितना रिस्पांस मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इवेंट बहुत पॉपुलर होता जाएगा। पार्ला में हमारे पराग अलवानी बहुत दिनों से करते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी की उसमें से उन्होंने, अभी भी वो इवेंट चालू है। वैसे मेरा आज का दिन में वहाँ पर उनके कार्यक्रम में लिखा था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी तेजिंदर के कार्यक्रम को देने का तय किया। मैं जरूर पार्ला के महोत्सव के कार्यक्रम में भी जाऊँगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे कार्यकर्ताओं को इसमें लगाओ, इस प्रकार के कार्यक्रम में नए नए कार्यकर्ताओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, उनको अपने साथ में जुड़ जाने का मौका मिलता है, तो इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम भी अगर आप अपने वार्ड में अपने विधानसभा में फेमस करो तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी इसमें से। और खास करके जो नगरजन है वो नगरजनों को इन सारी सुविधाओं को उपभोगने का एक अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मुंबई महानगरपालिका बहुत बड़ी है, मुंबई महानगरपालिका के पास पैसे भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं मुंबई महानगरपालिका में 15 साल नगर सेवक के रूप में भी मैंने काम किया, लेकिन मुंबई महानगरपालिका ने ऐसा कोई भी एक गार्डन डेवलप नहीं किया, एक प्लेग्राउंड डेवलप नहीं किया जिसमें सारे के सारे लोग आकर अपना योगदान दे। इस प्रकार के झूले में बैठो साहब, बच्चों को पूरा जीवन भर झूले में बैठने को मिलता नहीं। मुंबई शहर बहुत बड़ी है, मुंबई शहर के बाबा बाहर के लोग करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आप सभी लोगों से जो पॉलिटिक्स में है, जो नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, मुंबई महानगर पालिका ने ऐसा एक एम्यूजमेंट पार्क जिसको हम कहते हैं, एक एम्यूजमेंट पार्क नहीं बनाया जिसमें मेरी गांव में बच्चे बैठे, झूले में बच्चे बैठे, जो भी उपभोग है टीवी में हमको देखने के लिए इन दिनों में मिलता है, बच्चों को लगता होगा कि मैंने भी इसमें बैठा, बच्चों को माँ बाप को भी लगता है कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर इसमें बिठाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था नहीं है साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से सभी प्रकार के जो उपकरण है वो उपकरण को उपभोगने का अवसर हमारे परिसर में रहने वाले बच्चों को मिलेगा। मैं मेरे पार्टी के नगर सेवक को कहूँगा कि आप इस प्रकार का डेवलप करो। मैं बोरेली में एक एम्यूजमेंट पार्क डेवलप करने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहा हूँ, महानगर पालिका उसमें जितना चाहिए उतना सहयोग देती नहीं है। मैंने महानगर पालिका को कह रहा आप करो, आप नहीं करते हो तो आप किसी से करवा के लो, उसने कितने पैसे कितना फी लेने का वो भी आप तय करो, जिसको परवड़ेगा तो आकर कहेंगे। साहब जेब का रुपया लगाकर भी इस मुंबई शहर को सुविधा लेने वाले लोग बहुत पड़े हैं, लेकिन एक विकसित मानसिकता पॉलिटिशियन लोगों में विकसित हुई है, वो तो ना महानगर पालिका को करने देते हैं ना तो अपने लोगों को साथ में लेकर कोई अच्छा प्रकल्प डेवलप करके लोगों को सुविधा दे, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होना चाहिए। और इस प्रकार से ही तेजिंदर जैसा एक युवा कार्यकर्ता जब यह काम करने का सोचता है तो इसमें से ही डेवलपमेंट का द्वार खुलता है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ो आप, और जोड़कर ये जो स्टेज बना है आपका प्लानिंग तो इसमें होगा, कोई ना कोई कल्चरल कार्यक्रम भी रोज आप करते रहो ताकि कल्चरल कार्यक्रम भी लोग देखने के लिए आएंगे, सब समाज का करो धीरे धीरे। ये इस साल के लिए में एक दिन गुजराती कार्यक्रम करो, एक दिन तमिल कार्यक्रम करो, एक दिन राजस्थानी कार्यक्रम करो, तो सारे समाज को आप ये कार्यक्रम के माध्यम से 7 दिन में जोड़ सकते हो। इतनी बड़ी इस कार्यक्रम में ताकत है। मैं फिर एक बार तेजिंदर उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। उनको जिन जिन लोगों ने आर्थिक रूप से या तो शारीरिक रूप से सहयोग किया है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको क्रिसमस और आने वाले कैलेंडर न्यू ईयर के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। स्वागत है, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी हमारे यंग डायनेमिक लीडर तेजिंदर सिंह टिवाना जी का। यहाँ पर बैठे पब्लिक को मैं बोलूँ एक बार जोरदार तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है मलाड के लिए।
पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन आपके पूरी तरह से तहे दिल से आपके साथ है तेजिंदर जी। हमारे बीच में शाह रंधावा जो फिल्म अभिनेता हैं, जिनको आपने बहुत सारी फिल्म जैसे आशिकी 2, एक विलेन आवारापन और बहुत सारी फिल्म में देखा होगा। साथ ही साथ शाह जी हमारे बहुत फेमस रेसलर रह चुके सरदार सिंह रंधावा जी के बेटे हैं। एक बार जोरदार तालियों से शाह जी का स्वागत कीजिए। मैं हमारे यहाँ के नेता गोपाल शेट्टी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शाह रंधावा जी का स्वागत करें। हमारे बीच में शाह रंधावा जी के साथ एक बहुत बड़ी राइटर शेख गुप्ता जी भी आए हैं। आई थिंक शेख गुप्ता जी के खड़े होकर सबको आप विश कर दीजिए। शेख गुप्ता जी, इन्होंने मर्डर 2, जन्नत 2, रास 2, आशिकी 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्म लिखी है। साथ ही साथ अभी महेश भट्ट जी की फिल्म डायरेक्ट करने वाली है दुश्मन। हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आई रिक्वेस्ट तेजिंदर टू प्लीज गो डाउन एंड फेलिसिटेट शेख गुप्ता जी। शेख गुप्ता जी का स्वागत करने गोपाल जी आ रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष गणेश पांडे जी का स्वागत कर रहे हैं तेजिंदर सिंह सिवाना जी। कार्यक्रम में ट्रॉफी का योगदान देने वाले वास्तु कॉस्मिक से बसंत रसी बसिया जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मैडम यहाँ पर मैडम सर शाद को भी बुला दो। गुरप्रीत मैम एक आप आ जाइए। गुरप्रीत जी हाँ पीछे आओ थोड़ा आगे आ जाओ। यस पक्का मालूम सकते जब खरस ने देखिए मलाड फेस्टिवल के और से मैं तेजिंदर तिवाना, सतनाम तिवाना और जया बहन ये तीनों परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मलाड में एक बहुत बड़ा इवेंट का इन्होंने सोचा और उसे मुझे पूरा विश्वास है कि साकार करेंगे। आने वाले 7 दिनों में समाज के सभी तबके के लोग इसमें आकर शामिल होंगे, खास करके हमारे बच्चों को कभी मेरी गाँव में या तो बड़े बड़े झूले हैं ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। मुंबई शहर बहुत बड़ा है लेकिन मुंबई महानगरपालिका ने इस प्रकार की सुविधा कोई उपलब्ध की नहीं है, तो ये सारे बच्चों को आने वाले दिनों में एक एंटरटेनमेंट का साधन यहाँ पर उपलब्ध होगा और ये बहुत बड़ी ताकत मलाड के लिए उपलब्ध होगी। हमारे पारला के नगर सेवक इन दिनों में विधायक पराग अलौनी जी है, वो पारला महोत्सव के माध्यम से पारला को एक बहुत बड़ी ऊंचाई उन्होंने प्राप्त करके दी है। मेरा ही विश्वास है कि तेजिंदर ने जो ये पहल किया है मलाड को एक बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले दिनों में मिलेगी। सारे समाज के लोगों को समाविष्ट करने की ताकत ये मलाड फेस्टिवल में है, इसलिए क्रिसमस नाताल के शुभ अवसर पर और आने वाले कैलेंडर न्यू ईयर के अवसर पर मैं तेजिंदर तिवाना को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। वो आगे बढ़े, हम सब उनके साथ में हैं। क्या करना है? हाँ ले लो जल्दी। ये जो मलाड फेस्टिवल की जो सोच थी, ये प्रोग्राम जो हमने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके पीछे हमारी ये सोच है कि समाज के सारे वर्ग और सब कास्ट कम्युनिटी सब एक साथ आए एक मंच पर और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मलाड के बारे में मलाड को उभारा जाए। जैसे बैंड्रा फेस्ट होता है, अंधेरी में फेस्ट होता है और अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग जगह पे जो फेस्ट होता है, तो इस बेस लाइन पर हमने मलाड फेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आज इनॉग्रल है, बहुत लोग हमारे यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि आगे अगले कुछ दिनों में और वार्म होते जाएगा ये फेस्टिवल और लोग विजिट करते जाएंगे और मेरा विश्वास है कि खाली मलाड के नहीं, अंधेरी से लेके बैंड्रा दहिसर पूरे मुंबई के लोग मलाड फेस्टिवल देखने आएंगे। इसमें हर 10 दिन में रोज़ 10 दिन में हमने अलग अलग कार्यक्रम का
रचना रखी है, उसमें एक मलाड्स गॉट टैलेंट कार्यक्रम भी है जिसमें ग्रुप डांस इवेंट होगा और ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन होगा, वो कल और परसों 26 और 27 को रखा गया है। और न्यू ईयर के लिए चिल्ड्रंस को हमने डेडिकेट किया गया, क्योंकि न्यू ईयर के दिन सब अपना प्लान बनाते थे बाहर जाते, तो हमारे सोच ये थे कि चिल्ड्रंस को इस बार न्यू ईयर के दिन पे प्रायोरिटी दी जाए और चिल्ड्रंस के लिए मैस्कॉट्स, मैजिक शो और गेम शोज का तैयारी की गई है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि MP ने अपना समय निकालकर और मिनिस्टर अपनी विद्या ठाकुर मैडम जी ने अपना समय निकालकर मराठ फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मलाड और मलाड फेस्टिवल के बारे में अच्छे शब्द कहे जिससे आए हुए लोग भी प्रभावित हुए और अगले साल हम और भव्य रूप से इस फेस्टिवल का गठन करेंगे। मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार मराठ फेस्ट में आइए और अपने टैलेंट को दिखाइए, और अगले साल हमें क्या करना चाहिए हम सजेशन दीजिए, तो इससे हम और इम्प्रूव कर सके और मराठ के लोगों के सजेशन लेके और इस कार्यक्रम को और बड़ा बना सके भव्य रूप से। थैंक यू। हम क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? मुझे बिल्कुल इसके बारे में इल्म नहीं था, मुझे शाद ने बताया दैट इट्स मलाड फेस्टिवल एंड मैं आके मुझे खुशी इस बात की हो रही है दैट देर आर पीपल हु आर डूइंग अपनी छोटी छोटी कोशिशों से क्या क्या करना चाह रहे हैं बॉम्बे के लिए और पार्ट्स ऑफ बॉम्बे के लिए, बॉम्बे के हिस्सों के लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं, वो देख के लगता है कि हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जितना दूसरे भी कर रहे हैं उस शहर की तरफ जिसमें वो रहते हैं। हम तो एंटरटेन करते हैं लेकिन हमारे शहर की तरफ हमारा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं जितना और लोगों का है। दैट मेक्स मी फील वेरी स्मॉल अबाउट माई सेल्फ आई से एंड प्राउड ऑफ ऑल दिस फेस्टिवल इज अबाउट एंड द पीपल हु आर बिहाइंड इट। मैम, कुछ लोग जब कदम उठाते हैं ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन चीज़ों के लिए, तो बाकी लोगों का क्या दायित्व बनता है कि वो कैसे आगे बढ़े? उनको उनका साथ देना चाहिए, दे हैव टू बी विद देम एंड ऑल। अब हम तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हम जितनी बहुत कम कोशिश करते हैं इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन और जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा वक्त है वो आ सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें साथ में ज़रूर जुड़ के करना चाहिए। हम अपनी तरह से कुछ और करते हैं, हम सबको एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनका जो योगदान है वो ज़रूर बढ़े और लोगों के साथ जो आगे चले, बिकॉज अपना ही शहर है। और ऐसे धीरे धीरे जैसे मलाड फेस्टिवल हुआ उस तरह से जो बांद्रा है, अलग अलग जो हिस्से हैं बॉम्बे के, उसको उसमें जो चेंजेस जिनकी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें कमियां हैं हर हिस्से में बॉम्बे के एंड ऑल दैट, उसका उसके लिए वो अपना योगदान दे जिस तरह से भी दे सकते हैं। थैंक यू। First of all, I would like to congratulate Gurpreet ji and Tejinder for organizing this fantastic festival. It's very nice and heartening to see that, you know, there are people who are doing things for citizens, without any gain. And it's fantastic to be a part of it. I'm very glad that I've been called here to inaugurate this event. Yeah, so it's a great job she's carrying out. All the best. मैं आप सभी को यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज हमने मलाड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, हमारे बीच में शाद रंधावा जी और शगुप्ता जी आए हैं, इनके द्वारा इस उनके साथ साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के साथ द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। इस फेस्टिवल को मलाड के जो युवा नेता है तेजिंदर सिंह तिवाना और उनकी फैमिली ने मिलकर बहुत ही शिद्दत के साथ इस फेस्टिवल का उद्घाटन करने में इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे इन सबको उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और हम सब उनके साथ हैं। यहाँ के सिटीजन्स के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चों को आजकल के ज़माने में मेले देखने को मिलते नहीं हैं, तो ये बॉम्बे जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं, तो बॉम्बे जैसे शहरों में मेले देखने मिलते नहीं हैं, तो यहाँ से जैसे ये शुरू हुआ है हम कोशिश करेंगे इस मलाड फेस्टिवल को बहुत जल्द, क्योंकि हम अंधेरी में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, तो नेक्स्ट हम वहाँ लेके जाएंगे, अंधेरी में नेक्स्ट फेस्टिवल होगा, ये मैं आपको अभी बोल रही हूँ। और ऐसे ही हम इनिशिएटिव लेते रहेंगे, आप सबका साथ चाहिए हमें। मैं गुरप्रीत कौर चड्डा, प्रेसिडेंट पंजाब।
Abbey Global Foundation. Thank you so much. मैम, इनिशिएटिव लेने के अलावा या सर इनिशिएटिव लेने के अलावा और क्या बड़ा कदम हो सकता है हमारी बॉलीवुड की तरफ से? कुछ स्पेशल आप कर सकते हैं जो स्पेशल कर सकते हैं इन द सेंस जैसे इन्होंने अभी ये ऑर्गेनाइज किया है, इट इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव. जैसे मैंने कहा कि यू नो बॉम्बे में जगह नहीं होती बच्चों को, हमारे पास ज़्यादा प्ले ग्राउंड नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होती. तो जैसे यू नो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तेजिंदर ने इनिशिएटिव लिया है, यू नो ऐसा ही यू नो कुछ करें हम यू नो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा. यही बोल सकते हैं कि हम बहुत जल्दी मिलके शाद के साथ प्लान कर रहे थे कि हम कुछ एक सेलिब्रिटी ब्लड डोनेशन कैंप भी करें जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज आके अपना ब्लड डोनेट करेंगे. तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव है जो सारे एक्टर्स चाहते हैं कि लिए जाए, जैसे कि मैराथन में सब पार्टिसिपेट करते हैं और सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं. एक फ़ोन कॉल पे ये हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. इनकी नई फिल्म आने वाली है दुश्मन, स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत विशेस देना चाहूँगी. एंड आने वाले टाइम में ऐसे ही सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे साथ जुड़ के अगर ये करेंगे तो पब्लिक का और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है वो जब देखते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे भी अपने आप को फिल्मी दुनिया से रिलेट करते हैं. तो जब वो फिल्म एक्टर्स को जो कुछ करते हुए देखते हैं वही वो खुद करना चाहते हैं. तो अगर ऐसे इनिशिएटिव ये एक्टर्स लेंगे तो हम भी आगे जाकर और कुछ पब्लिक को दे सकते हैं. तो यही हमारा आज से एक रेजोल्यूशन है नए साल का, हम सब मिलके आने वाले साल में भी ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे. तो बॉलीवुड तो आता है लेकिन वो कोई भी मैसेज हो वो सही से एक्टिवेट नहीं हो पाता है. लोग मन करते भी और नहीं भी लेकिन सक्सेस तक नहीं पहुंच पाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली ज़्यादातर के जिन लोगों को हम ऐसे फेस्टिवल्स में बुलाते हैं बहुत ज़्यादा नामवार लोग होते हैं, उनके ऊपर उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वक्त की, टाइम की. और मेरे ख्याल से वही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से वो जो काम कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व रहते हैं. शायद कमिट करने के बाद अगर नहीं भी पूरी कर पाते तो सिर्फ समय की वजह से, बिकॉज मैं क्लोजली जानती हूँ सेलेब्स को, मैं बहुत मैंने काम किया है सबके साथ. उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है, सुबह कब होती है उनकी, रात कब होती है, उन्हें डेट्स भी नहीं पता होते हैं. सो इट्स नॉट दैट दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके इतने कमिटमेंट्स होते हैं कि बाय द टाइम वो दिन आता है कि दे हैव टू डू समथिंग, फिर कुछ और आ जाता है, कोई डबिंग हो, कभी शूटिंग है, कभी ये, वो उस साइकिल उस चरखे में वो एक्चुअली पिस रहे होते हैं. इसके लिए कई बार वो चाहते हैं बहुत कुछ करना और, लेकिन कई भी ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो जैसे उनका काम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है जैसे करियर, तो फिर वो उसमें चले जाते हैं. दे स्टार्ट डूइंग ऑल सोशल सर्विस वर्क्स एंड अपने शहर की तरफ. जैसे अगर आप नरगिस दत्त जीत को भी देखें तो वो जब स्टार थी तो वो तब नहीं करती थी, लेकिन वेन वो एक रिलैक्स पीरियड, एक पीरियड आता है उनकी ज़िंदगी में, उसके बाद वो अपने पूरा जीवन जो है, कई सेलेब्स जो हैं, कुछ अपने कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में हम नहीं जानते. तो मैं समझती हूँ कि कई सेलेब्स कर भी रहे होते हैं बट दे डोंट वांट टू बी नेम्ड, दे डोंट, नोबडी नोज हु इज़ डूइंग व्हाट फॉर हूँ. जैसे बच्चन साहब कितना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं. तो मेरे ख्याल से दे डू इट बट दे डू इट वेरी साइलेंटली. आई हैव दैट फीलिंग दैट बिकॉज आफ्टर मेकिंग सो मच ऑफ मनी वाई वुडंट दे कॉन्ट्रीब्यूट, ज़रूर करते होंगे लेकिन बहुत से सेलेब्स वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि वो कुछ कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं कॉज से. इसके लिए अक्सर बदनाम भी हो जाते हैं कि यार ये कुछ करते नहीं हैं, बट कई हैं, मैं कईयों को जानती हूँ जो करते हैं बट दे डोंट वांट टू बी नेम्ड, या वो अपनी उसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं कि उनका एक वो बना हुआ है एक्टर, स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बस उसी में वो जो अपनी लाइफ जो है निकाल देते हैं. थैंक यू.